20 शहीदों की शहादत पर आज हिंदुस्तान का खून खौल रहा है। ये गुस्सा है देश की पीठ पर धोखे का खंजर भोंकने वाले चीन के खिलाफ। लोगों के दिलों का ये उबाल अब सड़कों पर दिख रहा है। चीन के झंडे और जिनपिंग के पोस्टर जलाए जा रहे हैं। कोई टीवी तोड़ रहा है तो कोई चीनी सामान का बहिष्कार कर रहा है। देश अब चीन के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखना चाहता। वहीं सरकार भी अब चीन को आर्थिक झटका देने की तैयारी कर रही है। भारत सरकार चीन से आने वाले माल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का मूड बना रही है। इसे लेकर कॉमर्स मंत्रालय वित्त मंत्री के साथ बातचीत कर रहा है। भारत चीन से करीब 14% सामान आयात करता है। 2019-20 के बीच करीब 63 बिलियन का सामान भारत ने चीन से खरीदा। वहीं टेलीकॉम मंत्रालय ने BSNL को चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करने का निर्देश दिया है। भारतीय रेलवे ने भी चीनी कंपनी से अपना एक करार खत्म कर दिया है। 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था। इसके साथ ही व्यापारिक संगठन भी चीन के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। इसने एक खुले पत्र में आमिर खान, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, विराट कोहली, श्रद्धा कपूर, सलमान खान जैसे एक्टर से चीनी ब्रांड के विज्ञापन न करने का आग्रह किया है। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी से चीनी सामान के बहिष्कार के अभियान भारतीय सामान हमारा अभिमान से राष्ट्रहित में जोड़ने का आह्वान किया। पटना में पप्पू यादव ने JCB मशीन पर चढ़कर चीन के विज्ञापन के पोस्टरों में कालिक पोथी। पप्पू पटना के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट का विरोध करने पहुंचे। वहीं चाइनीज कंपनी और उसके विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की। उधर मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने तो रेस्टोरेंट में चाइनीज फूड पर भी रोक लगाने की मांग कर डाली। चाइनीज होटल है, चाइनीज रेस्टोरेंट है, ऐसे रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगानी चाहिए और चाइनीज रेस्टोरेंट चलाने वालों ने चाइनीज रेस्टोरेंट बंद करना चाहिए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक चीन के सामानों के बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है। लोग चाइनीज टीवी और LED तोड़ रहे हैं। चीन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है।